हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये नंदी ऑटो है जो कि BS3 BS4 में आती है, और जैसे हमारी एफ पियागो, महिंद्रा अल्फा, अदर जितनी भी ऑटो होती है, अगर हमारी ऑटो जैसे गियर लगा का ही गाड़ी एक मिनट, हम गियर लगाते हैं, देखो गाड़ी का गियर लगा दिया और फिर भी गाड़ी गियर नहीं पकड़ रही, लगा दिया के गियर ही नहीं लग रहा, मतलब गाड़ी का हम गियर लगाते और गियर नहीं लग रहा, देखो। तो इस पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये फॉल्ट बहुत सी गाड़ियों में आता है कि हमारी गाड़ी का गियर ही नहीं काम करे, गियर ना पहला लगे, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, ना बैक गियर लगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जब हमने इसकी गियर डब्बी खोली, तो जो ये गियर डब्बी के अंदर किल्ली है बाहर निकली हुई थी इस पोजीशन में, देखो भाई। फिर ये बाहर कैसे निकलती है, दिखाई दिखाई बड़ा अच्छे से, मतलब ये बाहर निकली हुई इस पोजीशन में थी। फिर हमने इसको कैसे बैठाएंगे, इसको आपने अंदर की तरफ हो गया टॉप है, ये बाहर किस तरह निकल रही थी, ये इस पोजीशन में थी। तो आपने क्या इसको अंदर की तरफ कर देना है, न्यूट्रल पे करके करिए, न्यूट्रल पे आपने क्या करना है भाई, किल्ली को तो न्यूट्रल पे कर लेना, पहिया घुमा घुमा के चेक कर लेना, और देखो ये टॉप टॉप गियर पे है, कर भी इसको फिर देखो भाई, जब आप किल्ली को न्यूट्रल पे कर लोगे, न्यूट्रल नाट लगाने गियर मतलब टाइट गियर में करनी पड़ेगी आपको, किल्ली को आपको गियर में ही टाइट करना पड़ेगा, देखो भाई इस तरीके से। और फिटिंग का तरीका होगा न्यूट्रल पर, गाड़ी की किल्ली हमें न्यूट्रल पे रखनी पड़ेगी और गियर डिब्बी हमें ये भी कर ले कि गियर न्यूट्रल का क्या बंदा, तो मतलब सीधी सीधी बात है भाई, अगर आपकी गाड़ी गियर बगाती हो, मतलब गियर बगानी नहीं, गियर अटक जाते नहीं लगते हो, अटक रुक जाते हो, अट जाएंगे, मतलब एक गियर में भी रुक सकते हैं, मतलब एक गियर में भी रुक सकती है गाड़ी और गियर भी नहीं लगेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना भाई, सीधा सीधा अपनी गियर डिब्बी खोलनी है और इसको अच्छे तरीके से बैठा देना और गियर में इसको लगा कर टाइट कर देना किल्ली को, देखो इसको, और फिर जो हमारी गियर डब्बी है उसको चौथे गियर में करके इसको एकदम से अंदर फिट कर दे, और फिर साथ के साथ गियर लगा कर देख लेना कि आपकी गाड़ी अच्छे से गियर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर हम ओनली जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो इसमें कमी थी हमने वो कमी ही दिखाई है, बस सीधा सीधा